आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक व्यक्ति कैसे फिजिकली फिट माना जाता है। हमारे बॉडी में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिसे बॉडी कॉम्पोजिशन कहते हैं। हमारे बॉडी में 7 कंपोनेंट्स हैं। पहला मसल स्ट्रेंथ, दूसरा मसल एंड्योरेंस, तीसरा कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, चौथा फ्लेक्सिबिलिटी, पाँचवा स्पीड, छठा मोटर स्किल और 7वां पावर। फर्स्ट मसल स्ट्रेंथ, इसमें बॉडी की वह क्षमता होती है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा भार को उठाया जा सके और हमारे मसल्स में कोई खिंचाव ना आए। सेकंड मसल एंड्योरेंस, इसमें बॉडी की वह क्षमता होती है जिसमें वस्तु के वजन को बार बार उठाया जा सके अधिक समय तक बिना किसी परेशानी के। कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस, इसमें हार्ट की वह क्षमता होती है जिसमें लंबे समय तक कार्य करता रहे और हार्ट पर प्रभाव ना पड़े जिससे हार्ट और वास्कुलर दोनों की क्षमता बढ़े। फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें बॉडी की वह क्षमता होती है जिसमें जॉइंट और मसल अच्छे से परफॉर्म करे, मूवमेंट भी अच्छी हो बिना किसी खिंचाव के। स्पीड, इसमें बॉडी की वह क्षमता होती है जिसमें कम से कम समय में किसी भी कार्य को पूरा करा जा सके। मोटर स्किल, यह हमारे मस्तिष्क से हमारे बॉडी में फैले मोटर इकाइयों जैसे नसों और मांसपेशीय फाइबर के संघ को संकेत भेजता है। पावर, इसमें बॉडी की वह क्षमता होती है जिससे आप जल्दी से जल्दी भारी वस्तु को अधिक समय तक उठा सके। यह सभी कंपोनेंट्स अगर अच्छे से वर्क करे तो उस व्यक्ति को फिजिकली फिट माना जाता है। यह सभी कंपोनेंट्स अच्छे से वर्क करे इसके लिए एक व्यक्ति को अच्छे डाइट एंड न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, जिसका रेशो कुछ इस प्रकार होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 60 से 65%, फैट की मात्रा 20 से 30%, प्रोटीन की मात्रा 15 से 10% के बीच में होनी चाहिए। अगर व्यक्ति इस रेशो को फॉलो करता है तो उसके बॉडी कंपोनेंट्स अच्छे से वर्क करेंगे और वो फिजिकली फिट हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना।